पंजाबी नौजवान लखां रुपए खर्च करके विदेशों की धरती ते अपने सुपने पूरे कर ले जांदे हन, पर उत्थे जाके सुपनिया दे संसार तो निकलता कुछ होर ही है। इन्हां विचों बहुते नौजवान घर की गरीबी खत्म कर ले करजा चुक के परदेश जांदे हन। दुनिया के लगभग सारे ही मुल्कां विचों पंजाबियों के शोषण दियां खबरां सामने आउंदियां रहिंदियां हन। इसे तरह दियां खबरां पिछले काफी समय तो न्यूजीलैंड तो भी सामने आ रही हैं, जिते बहुत सारे पंजाबी नौजवान तनखाह ना मिलन करके गुरु घरां दा सहारा लै रहे हैं। हुण अजिहे ही पंज होर नौजवानों का मामला सामने आया है, जिस विच आकलैंड के रेस्टोरेंट कारोबारी ते पंजाबी नौजवानों तो वर्क वीजा बदले पैसे लैण अते उन्हां दा आर्थिक ते मानसिक शोषण करन दे दोष लगे हैं। इन्हां नौजवानों विचों जगमीत सिंह, जसजीवन सिंह, तेजवीर सिंह, मनजोत सिंह, हरकिरत सिंह सेखो ने दस्या है कि रेस्टोरेंट के मालिक ने इन्हां तो वर्क वीजे के बदले 30,000 तो $50,000 लए हैं। इन्ना ही नहीं, इन्हां तो लोड़ तो वध प्रति हफ्ते काम भी करवाया है, पर इन्हां नूं बणदियां तनखाहां नहीं दित्तियां, जिस कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पै रहा है। ये सारे नौजवान इस वेले दक्षणी ऑकलैंड के गुरद्वारा साहिब के संपर्क विच हन अते गुरु घर इन्हां दी मदद भी कर रहा है। नौजवानों अनुसार मालक इन्हां नूं इंडिया डिपोर्ट करन दियां धमकियां भी दिंदा है। कर्मचारी बीते सितंबर तो जनवरी विचाले न्यूजीलैंड पुजे सन, जिन्हां ने रेस्टोरेंट ते काम करना शुरू कर दिता, पर लगातार माड़े हुंदे आर्थिक हालात देखदिआं नौजवानां ने फरवरी दे मध तक काम करना बंद कर दिता अते पुलिस नूं शिकायत कर दित्ती, जिस तों बाद हुण मामला इमीग्रेशन न्यूजीलैंड तक पुज चुका है। दूजे पासे जदों रेस्टोरेंट दे मालक नाल गलबात कीती गई तां उसने कहा है कि उसने मुंडिआं दे कोलों कोई भी पैसा नहीं लिया, सगों एजेंट दे राहीं इह $15,000 दे हिसाब नाल इत्थे आए सन। इस तों इलावा उन्हां ने ना ही कर्मचारियां नूं अते ना ही इंडिया विच वसदे उन्हां दे घरदिआं नूं कोई धमकी दित्ती है। रुकियां तनखाह दे बारे मालक ने कहा है कि कारोबार लगातार घाटे दे विच जा रहा है अते कुछ समय तो वह उन्हां नूं तनखाह नहीं दे सकियां, पर जिवें ही कारोबार सोहना चलन लग पैंदा है तो वह मुंडियां नूं बणदियां तनखाह जरूर देवेगा। इस वेले मामला INZ दे कोल है अते उन्होंने नौजवानों को भरोसा भी दिता है कि वह इस मामले की जांच करके नौजवानों को इंसाफ जरूर दवाएंगे, पर सब तो वड्डा सवाल यह है कि कदों तक पंजाबी नौजवान विदेशों की धरती से इंज ही रुलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट INZ पंजाबी न्यूज़।